जेल में बंद संत रामपाल पर लगे आरोपों को वापस लेने और उनके मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने मंडी शहर में विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोगों ने सफेद झंडे, तख्तियां और बैनर लिए। रामपाल समर्थकों ने सीबीआई की जांच की मांग के अलावा रामपाल के खिलाफ बनाए गए कथित झूठे मामले वापस लेने की मांग की। रामपाल समर्थकों की यह रैली इतनी विशाल थी कि मंडी शहर के चौहाटा बाजार से गुजरते हुए इस रैली को करीब आधा घंटा लग गया। कतारों में चल रहे रामपाल के समर्थक संत साहिब और संत कबीर के पक्ष में नारे लगा रहे थे। रैली के बीच में सजे हुए वाहन और सफेद झंडों की लंबी कतारें दूर तक नजर आ रही थी। ये काफिला विश्वकर्मा मंदिर से शुरू हुआ और इंदिरा मार्केट परिसर, सेरी बाजार, चौहट्टा बाजार, मोती बाजार, सम क्षेत्र, विक्टोरिया ब्रिज पार कर पुरानी मंडी से होते हुए करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद फिर वापस विश्वकर्मा मंदिर तक पहुंचा। मंडी शहर वासियों का कहना है कि मंडी शहर में ये पहला मौका है कि जब इतनी सारी तादाद में किसी संत के अनुयायी पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे राज्य से आकर यहाँ जुटे हैं। रामपाल के अनुयायियों का कहना है कि कई राज्यों में इस तरह की रैलियों का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी के अनुयायी आज इस जो विशाल रैली निकाली जा रही है वो 18 नवंबर 2014 को जो हमारे ऊपर जो अत्याचार किया था बरवाड़ा हिसार में, हम संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। हमारा आज उद्देश्य से रैली निकालने का है कि हम 3 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे के माध्यम से कि हमारी सीबीआई जांच कराएं। अगर हम झूठे हैं तो हमें सजा दी जाए, अगर सच्चे हैं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को बाह्यत बरी किया जाए। क्या आरोप लगाए उनके ऊपर? देशद्रोह जैसे आरोप लगाए हैं, उसमें भी पिछले ही दिनों में आपने सुना होगा 426 और 427 में संत रामपाल जी को हिसार कोर्ट ने बाह्यत बरी किया है। उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आज 3 साल हो गए बिना प्रमाण के, बिना प्रूफ के 3 साल तक हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार का संत रामपाल जी के ऊपर जो आरोप है उसको सिद्ध नहीं कर पाई है। और हमारी मांग है कि अगर सीबीआई जांच कराई जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम झूठे हैं तो हमें फांसी पर लटका दिया जाए, अगर हम सच्चे हैं तो हमें न्याय दिलाया जाए। हम राष्ट्रपति जी से भी यह गुजारिश करते हैं कि हमें न्याय दो या मौत दो। मेरी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भ्रष्टाचार रहित भारत की बात करते हैं तो हमें न्याय दे, और हमारे हम उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं तो हमें न्याय दिया जाए और उसकी सीबीआई जांच की जाए।